आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, रंध्र किन कोशिकाओं से घिरी रहती है। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, रंध्र की, या इसी को हम क्या बोलेंगे गाइस, स्टोमेटा। ये एक तरह के क्या होते हैं हम पहले जानते हैं, ये हमारे एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे कि पौधों में, ये कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं, और इन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र, या इन्हें हम क्या बोलते हैं या बोलेंगे इन्हें छिद्र, क्या है, ये एक तरह के छिद्र होते हैं। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ये पाए जाते हैं पत्तियों की इपिडर्मिस पर। कहाँ पर, पत्तियों की बाह्य त्वचा पर, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाह्य त्वचा पर या इपिडर्मिस पर ये पाए जाते हैं। और इनका कार्य क्या है गाइस, जो स्टोमेटा होते हैं या रंध्र होते हैं, इनका कार्य है गैसों का आदान प्रदान। क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। अब देख लेते हैं गाइस, हमारे प्रश्न में जो पूछा गया है कि इन रंध्र किन कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक गाइस डायग्राम ले रखा है, और ये हमारा जो डायग्राम है ये किसका है, ये रंध्र का डायग्राम है। क्या है, यहाँ पर ये रंध्र है या स्टोमेटा बोलेंगे हम इसे। अब इसके आसपास देख लेते हैं संरचना के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे संरचना कौन सी, एपिडर्मल सेल, कौन कौन सी सेल से ये घिरा रहता है। ये हमारा देखिए क्या है, एपिडर्मल बाहरी जो हरी कलर की बनी हुई है, ये कैसी है, एपिडर्मिस, या हम ये कहें बाह्य त्वचा। क्या है ये, बाह्य त्वचा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कौन सी, सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल को गाइस हम बोलते हैं क्या, सहायक कोशिका। क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका। नेक्स्ट हमारे पास ये दो तरह की सेल हो गई है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ क्या, स्टोमेटल पोर। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा रंध्र है, स्टोमेटल पोर। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, स्टोमेटल पोर, या इसी को हम बोलते हैं क्या, रंध्र या स्टोमेटा। नेक्स्ट हमें दी हुई है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो होती हैं हमारी, ये होती हैं रक्षक कोशिकाएं। क्या होती हैं, रक्षक कोशिकाएं। क्या है ये, रक्षक कोशिकाएं। तो देखिए इस तरह से हमने देखा कि जो रंध्र है, हमारा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। रंध्र कितनी प्रकार की कोशिकाओं से ढका रहता है, एपिडर्मल सेल होती है वहां पर, सब्सिडरी या सहायक कोशिकाएं होती हैं, फिर गार्ड सेल्स होती हैं या रक्षक कोशिकाएं। रक्षक कोशिकाएं क्या करती हैं, यहाँ पर ये जो छिद्र के खुलने और बंद होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर रक्षक कोशिकाओं की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो और यहाँ पर कितने प्रकार की कोशिकाएं हो गई, तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं रंध्र के आसपास। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।